हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। मैं लेकर आया हूँ अगला टॉपिक। पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड के बारे में, आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों याद करो जरा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब उसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, अभी हमारी जो बॉडी है वो ए पॉइंट पर है, टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पर है, तो उस पूरे टी टाइम के लिए बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। जिस तरीके से एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस टेकन ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि बॉडी अगर एक पॉइंट ए से बी पर गई हो तो डिस्प्लेसमेंट है जस्ट ए से बी तक स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो, तो वही आपको यहां पर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, हम एक सिंपल सा केस ले लेते हैं जहां पर एक बॉडी ये हमारे एक्स और वाई हो गए बच्चों। ठीक है, मान लो बॉडी का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का है कि बॉडी यहां से चली ये, मान लो ये बॉडी का मोशन है, ये बॉडी का पाथ है। ठीक, अब यहां पर दो पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, मान लो मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए से लेकर बी तक, मुझे क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले की स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं स्केलर फॉर्म की, तो ए से बी तक का मान लेते हैं हम टाइम है टी। ठीक, या फिर ऐसा मान लो कि यहां पर ए पर जब बॉडी थी तो टाइम था टी वन, और जब बॉडी बी पर थी तो टाइम था टी टू। तो ए से लेकर बी तक का टाइम क्या हुआ बच्चों? ए से लेकर बी तक का टाइम हुआ टी टू माइनस टी वन। ठीक, अच्छा देखो, ए से लेकर बी तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? ये हुई। ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट है आपकी, मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को कुछ नाम दे दो, ये डिस्प्लेसमेंट है आपकी आर। ठीक, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा यहां से टी टू माइनस टी वन यानी कि टी। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई सिंपली आर बाय टी। आपने ये नहीं देखना कि बॉडी ने एक्चुअल पाथ क्या फॉलो किया है, आपको बोला ए से लेकर बी तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो ए से लेकर बी तक का स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, और वहां से लेकर यहां तक ए से लेकर बी तक जो टाइम लगा है वो, तो आर बाय टी दैट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? जैसे आपको पता है कि ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है मान लो आर वन। अब पोजीशन वेक्टर को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये सारे वीडियोस देखने से पहले वेक्टर्स वाले वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। यहां पर हम लोग खूब वेक्टर्स का यूज करने वाले हैं। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वन, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मान लो आर टू। तो ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ बच्चों? ये
ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ये ए से बी तक हम एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, और वो होगा क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ए से लेकर बी तक का, ए बी जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, वेक्टर्स में पढ़ा था, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, फाइनल हमारा बी है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर टू माइनस आर वन। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं एवरेज वेलोसिटी की, कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है मेरी ये वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम, टाइम वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है ए से बी तक का, आर टू माइनस आर वन ओवर आर वन पे बॉडी का टाइम था टी वन, आर टू पे था टी टू, सो टी टू माइनस टी वन, समझ में आई बात आपको, और इसी का मैग्नीट्यूड है ये, आप इसका मैग्नीट्यूड लो, ये T2 माइनस T1 या T एक ही बात है ना, तो यहां पे T2 माइनस T1 की जगह ही T लिख दिया, बट यहां पर देखने वाली बात ये है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। ठीक, तो कैसा भी मोशन हो, सर्कुलर हो, स्ट्रेट लाइन हो, आपको दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आपने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट लेके टाइम से डिवाइड कर देना, वो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो आपने पोजीशन वेक्टर्स लेने हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स आपके ऊपर है कि आप ओरिजिन किसको मानते हो, अपनी मर्जी से कोई ओरिजिन मान के उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर्स ले लो, समझ में आई बात। चलो एक दो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, मान लो जैसे एक बॉडी जा रही है, मान लो दिया हुआ है कि एक बॉडी साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, एक बॉडी साउथ की तरफ गई, साउथ ये होता है ना, किस तरीके से लेते हैं डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शंस फिक्स रहेगी फिजिक्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक बॉडी बोला साउथ की तरफ गई, तो साउथ ये ऐसे हो गया, 10 सेकंड तक वो बॉडी साउथ डायरेक्शन में मूव करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, ओके। उसके बाद मान लो वो बॉडी ईस्ट की तरफ टर्न कर जाती है, और फिर वो बॉडी मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 20 सेकंड्स तक। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इस पूरे टाइम के लिए हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, राइट, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो आप निकालो एबी का लेंथ, वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वही एरो की लेंथ ली जाती है, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड, सो दिस लेंथ इज 10 एंड दिस लेंथ इज 5। So AB is, which is the displacement, 5 root 5 meter
नॉट मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट है ना मीटर, ठीक। सो ए से बी तक की एवरेज वेलोसिटी क्या आई बच्चों, ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिला, 5√5, और ए से बी तक आने का टाइम कितना है, ए से बी तक आने का टाइम है 10 सेकेंड यहां और 20 सेकेंड यहां, टोटल 30 सेकेंड, ठीक। सो एवरेज वेलोसिटी इज √5/6 m/s, क्लियर, ठीक है। अच्छा इसकी वेक्टर फॉर्म में भी कर लो एक बार कहानी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है r2 - r1 upon total time, r2 किसका पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का, r1 किसका पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पॉइंट का। लेकिन उन पोजीशन वेक्टर से पहले हमको ये तो क्लियर कर लेना चाहिए कि ओरिजिन क्या है, तभी तो हम लोग पोजीशन वेक्टर्स ले पाएंगे। मान लो ये जो पॉइंट ए है हमारा, ये ही ओरिजिन है, ठीक। तो हमारी जो बॉडी थी इनिशियली वो ए पर ही थी, तो आर वन क्या होगा, आर वन होगा 0i cap + 0j cap, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0। और R2 क्या है, R2 है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट हमारा है B, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ बच्चों, B का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हमें पहले B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या, x, y, तो यहां पर y कितना है -10 और x कितना है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, -10। सो R2 क्या हुआ, R2 हुआ 5i cap - 10j cap। सो अब इसको पुट करो, R2 - R1, दिस माइनस दिस, ये तो पूरा 0, 0 ही है, तो यही बचेगा, बाय टोटल टाइम विच इज 30। अगर आप T2 - T1 के हिसाब से देखना चाहते हो तो T2 है यहां तक का टोटल टाइम विच इज 30, -T1 है यहां का टाइम, यहीं से तो हमने शुरू किया टाइम मेजर करना, तो यहां का टाइम है 0, सो 30 - 0 is 30, है ना, हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। सो 5/30 1/6 i cap - 1/3 j cap, समझ में आई बात, ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर। अब इससे वो वाली फॉर्म कैसे आएगी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो है वो, तो वो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड करोगे, ये तो ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लो, ओवर टाइम, तो वही आ जाएगा √125/30 √5/6, समझ में आई बात, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है एक सर्कल में, मान लो पूरा सर्कल नहीं ले रहे हम, मान लो हमको ये गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन बॉडी थी पहले यहां पर, मान लेते हैं पॉइंट ए पर, और उसके बाद सर्कल के अलोंग चलते हुए इस बॉडी ने डिग्री का एंगल कवर किया, और उसके बाद ये बॉडी पहुंच गई पॉइंट बी पे,
ठीक है, सर्कल लग रहा है, ये एरो देखो छोटा है बड़ा है ना, थोड़ा सा फिगर ठीक कर लेते हैं, ये एरो बराबर होना चाहिए ना, अगर ये सर्कल है तो। फिगर बढ़िया हो तो फिर मजा आता क्वेश्चन करने में फिजिक्स का। ठीक, तो बी पे पहुंच गई। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और हमने फाइंड करनी है इस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करें, टाइम क्या लगा है मान लेते हैं, ये गिवन है कि ए से लेकर बी तक जाने में बॉडी को लगे हैं 14 सेकेंड्स। ए से लेकर बी तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा है, 14 सेकेंड्स। ठीक है, तो बच्चों देखो, मान लो ये ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, टेढ़ा तो नहीं जा रहा है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे तो काम बन जाएगा। बच्चों ए के कोऑर्डिनेट्स तो बिल्कुल ही सिंपल है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है एंड दिस लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, सो दिस पॉइंट इज 7.0। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, उसके लिए अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये लेंथ वाई होगी और ये लेंथ एक्स होगी, ये दोनों लेंथ निकाली जा सकती हैं, बिकॉज हमें ये पता है 7 है और ये एंगल पता है 60 डिग्री है, तो हमें एक तरीके से अगर बी के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है तो हमें ये एक्स और वाई निकालना, यानी इस ट्रायंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर सॉरी, सो y by 7 is sin 60 degree, sin 60 होता है root 3 by 2, so y is 7 root 3 by 2 centimeter और x by 7 इस cos 60, cos 60 होता 1/2, सो x इज 7/2 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए क्या, 7/2, 7√3/2। ओके, तो r1 r2 मिल गया, r1 इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 7 आई गया, r2 फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना 7/2 आई क्या, सो इट इज r2 - r1/t। समझ में आई बात, ओके, सो पुट करा जाए r2 ये r2 - r1/t, 7/2 इज 3.5, 3.5 माइनस 7 इज माइनस 3.5, सो इट इज -3.5/14 i cap ये, एंड 3.5 इंटू 4 इज 14, सो दिस इज 1/4 -0.25 i cap और √3/4 ठीक, समझ में आई बात, ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी
का वेक्टर। ठीक, क्लियर, ओके। अब आपको बोला है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी निकालो कि वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही चीज लगा लो जो बोला है, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो आपका वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड, फिर उस मैग्नीट्यूड को टाइम से डिवाइड कर देना। भाई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, समझ में आई बात? ठीक ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट्स। ठीक, इन पे एवरेज स्पीड की डीपीपी आप कर चुके हो, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की कंबाइंड होगी अब वो डीपीपी, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप अच्छे से सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी डिफरेंशिएशन रिवाइज करके आना, डिफरेंशिएशन वाले जो मेरे वीडियोस हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स करके हैं, उनको देख लो, उसको बाद उस उन वीडियोस को देखने के बाद ही आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला वीडियो देखोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो।